हेलो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपना स्टेसी पे में पैसा कैसे ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के लिए क्या प्रोसेस है और क्या तरीका है। पूरा फुल डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अदरवाइज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चले मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टेसी पे में पैसा ऐड किया जाता है। सबसे पहले आपको अपना स्टेसी पे एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दिखेगा ऐड मनी का, तो ऐड मनी पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन, कार्ड वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आपको ऐड करना है उतना अमाउंट यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद कार्ड नंबर, जो कार्ड जिस कार्ड से ऐड करना चाहते हैं उस कार्ड होल्डर का नाम क्या है उसका नाम यहाँ ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड का नंबर, कार्ड का डिटेल आपको फिलअप करना है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये नाम है इस तरह आपको पूरा नाम सही से फिलअप करना है। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली यहाँ से स्कैन का ऑप्शन है, स्कैन कर लेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। ओनली आपको उसका CVV से नंबर मैनुअली फिलअप करना होगा। जैसे मैं स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद देखें यहाँ पूरा डिटेल आ गया। आपको डिटेल फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्कैन कर लेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CVV से नंबर डाल देना है, जो कार्ड का CVV से नंबर है उसको डालने के बाद यहाँ डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा डिटेल शो हो जाएगा। ये डिटेल अगर सही है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना, अदरवाइज अगर सही नहीं है तो यहाँ से बैक कर देना है। तो हमारा सब कुछ सही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके बैंक की तरफ से एक OTP कोड आएगा, वो OTP कोड आपको इसके अंदर फिलअप कर देना। देखे ये जो बैंक की तरफ से मैसेज आएगा यहाँ पे, आपके जो नंबर, जिस नंबर से आप अपना STC पे स्टार्ट किए हैं उस नंबर पे या जिस नंबर पे जो बैंक में नंबर दिए होंगे उस नंबर पे एक OTP कोड आएगा, वो OTP कोड आपको इसके अंदर फिलअप करना। जिस अकाउंट से पैसा ऐड कर रहे हैं उस अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पे एक OTP कोड भेजा जाएगा बैंक की तरफ से। वो नंबर आपको डाल के यहाँ से कन्फर्म कर देना है। जब कन्फर्म कर देंगे तो यहाँ पैसा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। देखिए अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चलने के बाद यहाँ सक्सेसफुली पैसा ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पैसा ऐड हो गया। चले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हमारे अकाउंट में पैसा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं 0 दिख रहा है, लेकिन इसको रिफ्लेश करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 295 रुपये आ चुका है। इसी तरह आप पैसा ऐड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी टॉपिक पर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।